केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश सिद्धार्थ ने एडीजे व जिलाधिकारी को एक पत्र देकर सनसनी फैला दी है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए मीट कारोबारी शाहिद अखलाक व एक प्रशासनिक अधिकार जिम्मेदार होंगे। बता दें कि मुकेश सिद्धार्थ वे शाहिद अखलाक के बीच काफी समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि अल शाकिब मीट फैक्ट्री में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के लिए जिलाधिकारी स्तर से एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मुकेश सिद्धार्थ ने यह आरोप भी लगाया है कि यूपी सरकार के मेरठ के 3 प्रमुख जनप्रतिनिधि भी शाहिद अखलाक से मिले हुए हैं। इसकी जांच करा ली जाए तो कई जनप्रतिनिधियों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर फर्स्ट बाइट डॉट टीवी की रिपोर्टर जिया ने जब मुकेश सिद्धार्थ से बात की तो उन्होंने यह कहा। सर, आपने कल एडीजी को अपने सुरक्षा के लिए पत्र लिखा है, वो किस लिए लिखा है? देखिए, जब जिलाधिकारी मेरठ ये कह रहे हैं कि शाहिद अखलाक बहुत बड़ा माफिया है, कि हत्या करा चुका है, तो आप क्यों चक्कर में पड़ गए हो? तो मैंने कहा, मैंने एहतियात के तौर पर दिया है एडीजी को पत्र कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इस पत्र को रख लिया जाए, और हत्या हो जाती है तो उन दोनों को नामजद माना जाए और ये वक्त पे काम आवे। तो आपको क्यों डर है कि आपकी हत्या होगी? ऐसा डर किस लिए, किस चीज को? देखिए, शाहिद अखलाक के परिवार ने 7-8 हत्याएं की हैं अब तक जी। और एक घटना तो ऐसी हुई थी कि बच्चा पार्क से लेके और बेगमपुर तक लगातार गोलियां चली थी, जिसमें 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो इनके परिवार के साथ था और उसमें नामजद भी हुए थे, और बहुत बड़ा आतंक का एक वो था घटना। तो इसलिए मुझे डर है। हाजी शाहिद अखलाक की एक मीट फैक्ट्री है जी। भैंस के छोटे बच्चे कटवाते हैं। अच्छा। फर्श पर माल काटते हैं और जो गंदा पानी है वो बोरिंग के अंदर डालते हैं। तो उससे क्या परेशानी है? ये 90 किलो से कम का बच्चा मतलब जानवर नहीं काट सकते, और इनकी जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना माल काट रहे हैं। अच्छा। उससे प्रदूषण बढ़ता है। दूसरे जो उनको पानी है, गंदा पानी, वो बोरिंग में डालते हैं, उससे आसपास गांव के जो जनसंख्या है, जनता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बीमार हो रहे हैं लगातार, वो बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। ये मुझे इससे मुझे आपत्ति है, मेरे समाज के लोग हैं वो। तो नगर निगम ने कमेला बंद कर दिया है, इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है? नगर निगम ने कमेला बंद किया, वो सेटिंग से किया उन्होंने, क्योंकि नगर निगम को ये 60 या 70 रुपए पर भैंस देते हैं काटने का, और लेते 3,000 हैं। इसमें बहुत बड़ा खेल है, करीब 10 लाख रुपए पर डे की इसमें कलेक्शन होता है, और नगर निगम को जाता है हजारों में, और उससे नगर निगम को नुकसान है, राजस्व को नुकसान है। ये तो अगर आप खुली बोली करवा दें इसको तो आराम से 50 लाख रुपए महीना कम से कम नगर निगम को फायदा होगा। तो आपको लगता है या अधिकारियों को लगता है कि मेरी बात झूठी है, नगर निगम को इससे कोई नुकसान नहीं है, तो खुली बोली लगा मैं, मेरी टीम जो है, हालांकि मुझे मैं नए कारोबार करता हूँ, ना ही मुझे ये कारोबार करना है, लेकिन ये चाहे तो 50 लाख रुपए पर मंथ राजस्व हमारी टीम, जो हमारी जान पहचान की टीम है, वो दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, और 10-5 करोड़ रुपये एडवांस भी दे देगी। इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 जनप्रतिनिधि शाहिद अखलाक से मिले हुए हैं, पैसा लेते हैं और ये अवैध वो चलवाते हैं कमेला, जो ये काम नहीं कर सकते वो शाहिद अखलाक करता है। उसमें बहुत मोटी आमदनी है, उसमें 3-4 भाजपा नेता जो जनप्रतिनिधि, में 3 जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब आप जानते ही हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो
और कम से कम 4-5 अधिकारी मासिक पैसा इनसे लेते हैं 1.5 लाख से, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं होती। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया महाराज योगी नाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि इसकी इस पकड़ की जांच उच्च स्तरीय समिति से करा लें, मेरठ जिले के अधिकारियों से न करावें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर महाराज ने जांच करा ली तो उसमें 3-4 जनप्रतिनिधि व 3-4 अधिकारी को जेल जाना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। firstbite की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।